सब्सक्राइब कीजिए हमारे ASEdit चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबा देना, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट ऑडियो अपडेट सबसे पहले मिल जाए। स्वागत है दोस्तों आपका आपके YouTube चैनल में। और कैसे हो, आशा करता हूँ आप बढ़िया होंगे। एंड दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। तो गाइस आज की वीडियो जो होने वाली है ना, Instagram डीप फोटो के ऊपर होने वाली है। डीप फोटो एडिटिंग कैसे करते हैं, तो गाइस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। और गाइस हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारी वीडियो बहुत ही जल्दी आपके पास पहुंच जाए। और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो गाइस हम बैकग्राउंड को ले लेते हैं अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। तो इन सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस हम क्या करते हैं, अपने मॉडल को यहां इंपोर्ट कर लेते हैं। गाइस मॉडल को लेते हैं, गाइस हमने जो है ना उसका बैकग्राउंड गाइस इरेज जल्दी जल्दी कर दिया। तो अगर आपको इरेज करना नहीं आता तो मेरे चैनल पे एक वीडियो है, दो वीडियो डाल चुका हूँ मैं अपलोड करके, उसकी बैकग्राउंड कैसे इरेज करें तो आप उसे देख सकते हैं परफेक्टली बैकग्राउंड कैसे इरेज करें। तो इसमें सब चीज़ बताई गई है परफेक्टली बैकग्राउंड इरेज कैसे करें। तो गाइस हम अपने मॉडल को यहाँ इंपोर्ट कर लेते हैं। एंड गाइस हमारे मॉडल को गाइस आपको कुछ एटीट्यूड में पोस्ट खिंचवाना है, जैसे गाइस इस पिक में है। तो गाइस हम इसका बैकग्राउंड इरेज कर लेते हैं। तो गाइस हम जाते हैं यहाँ से फ्री क्रॉप के अंदर। तो गाइस फ्री क्रॉप में हम जाते हैं और गाइस हमने यहाँ बैकग्राउंड इरेज कर लिया है। तो गाइस आप परफेक्टली बैकग्राउंड इरेज कर लेना। एंड गाइस अगर आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेना है इसका, एंड गाइस ब्राइटनेस को थोड़ा बढ़ाना है, क्लैरिटी को भी थोड़ा ही बढ़ाना है, ज़्यादा नहीं बढ़ाना है आपको। एंड गाइस सैचुरेशन को थोड़ा सा ही कम करना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा सैचुरेशन को आपको कम करना है। एंड हाईलाइट्स को आपको कम करना है थोड़ा, नहीं जी बढ़ाना ही है हाईलाइट्स को, क्योंकि गाइस शेडो को थोड़ा कम करना है, जिससे आपके हेयर वेयर में टी शर्ट में जो है ना वो बढ़िया लुक आए। एंड गाइस अब आपको यहाँ से ओके कर देना है। गाइस यहाँ से भी आपको ओके कर देना है, ओके गाइस। एंड गाइस इसमें हम इसका फेस जो है ना गाइस फेस स्मूथ करेंगे। तो गाइस फेस स्मूथ करने के लिए आपको क्या करना होगा गाइस, आपको ब्यूटी टूल में जाना होगा। ब्यूटी टूल में जाके आपको स्मूथ, सॉरी गाइस फेस फिक्स में जाना है हमें। गाइस हम फेस फिक्स में जाते हैं, फेस फिक्स में चले गए हम। तो गाइस यहाँ पे हम 30 रहेंगे। तो गाइस के सारे फेस पे हम ब्रश फेर देंगे। तो गाइस आप सब देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो फेस हो रहा है ना, काफ़ी स्मूथ हो रहा है जो है ना, ऐसे स्मूथ कर लें अपने फेस को। तो गाइस ये स्मूथ कर रहे हैं हम, गाइस ये स्मूथ होने वाला ही है बस। तो गाइस अगर वीडियो को आपको अच्छी लगे तो गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि वो भी फोटो एडिटिंग सीख सकें। तो गाइस हमारे चैनल पे जो है ना गाइस बहुत, मतलब मैं बहुत वीडियो अपलोड कर चुका हूँ लेकिन सब्सक्राइबर बहुत कम है, इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड गाइस बेल आइकन को जरूर दबा लेना, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट सबसे पहले मिल जाए। तो गाइस हम यहाँ से ऐसे भी यहाँ से स्मूथ कर लेते हैं, सबको स्मूथ कर लेते हैं। एंड गाइस ये स्मूथ हो चुका है। एंड गाइस अब आपको क्या करना है, एंड गाइस यहाँ से भी आपको ओके क्लिक कर देना है। गाइस इसमें कुछ PNGs हैं, हम उसे ऐड करेंगे। तो गाइस हम पहले ऐड करेंगे आइस का PNG। तो गाइस हम आइस PNG ले लेते हैं। एंड गाइस आपको इसे ऐसे एडजस्ट करना है कि आपकी आँखों में परफेक्टली एडजस्ट हो जाए। तो गाइस हम इसे ऊपर थोड़ा सा और छोटा करेंगे, गाइस रोटेट थोड़ा सा रोटेट, एंड गाइस थोड़ा सा और छोटा, गाइस आँखों की तरफ लगा देंगे। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, आप मुझे पता है आप कर ही देंगे, आपका छोटा भाई हूँ मैं, आप इसलिए कर ही देंगे। तो गाइस ये एडजस्ट हो चुके हैं आइज। एंड गाइस यहाँ से आपको क्या करना है गाइस, एक और आइस का PNG यही वाला ले लेना है आपकी दूसरी आइस के लिए। एंड गाइस ये वाला ले लेते हैं आप। एंड गाइस अब आपको क्या करना है गाइस, इसे भी छोटा कर देना है। और गाइस आपको क्या करना है, इसकी तरफ कोई दूसरी आँख में से एडजस्ट कर देना है अपने हिसाब से। तो गाइस इसे थोड़ा सा इधर को, गाइस ये एडजस्ट हो चुका है, पूरा पक्का एडजस्ट हो चुका है। एंड गाइस यहाँ से हम इसे डन कर देंगे। तो गाइस इसमें दो तीन PNG और हैं गाइस, उन्हें हम दोबारा ऐड करेंगे, मतलब ऐड करेंगे अब। गाइस हम जाते हैं ऐड फोटो में, गाइस ऐड फोटो में जा रहे हैं। एंड गाइस अब आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पे एक ये लेंस फ्लेयर का है, वाइट लेंस फ्लेयर का PNG गाइस, इसे आपको ले आना है। एंड गाइस इसे स्क्रीन कर देना है। तो गाइस आपको इसे अपने कंधे के पास ले आना है, जिससे गाइस आपको आपके फेस पर लाइट आए, ओके गाइस। एंड गाइस आप नीचे कमेंट में जरूर बताना कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लाऊं, मैं जल्दी वीडियो लाता रहूंगा। एंड गाइस लेट हो रही है थोड़ी वीडियोस के लिए, सॉरी। तो गाइस एक और PNG है गाइस, ये स्पार्कल का, स्पार्कल स्मोक का गाइस, उसे भी आपको यहीं एडजस्ट करना है। एंड गाइस उसको आपको ब्लाइंड पे जाके स्क्रीन कर देना है। तो गाइस ये स्क्रीन हो गया है। एंड गाइस यहां से आपको इसे डन कर देना है। गाइस में दो PNG हो रहे हैं गाइस स्मोक के, हम उन्हें ऐड करेंगे। तो गाइस स्मोक के PNG ऐड कर लेते हैं। गाइस ये भी इधर ही लगा के ब्लाइंड पर जाके इसे भी स्क्रीन कर देंगे। तो गाइस ये स्क्रीन हो चुका है। एंड गाइस दोबारा से एक और बार हम वो स्मोक का PNG लेंगे, स्मोक एंड लेंस फ्लेयर का, उसे हम यहाँ ले लेते हैं। एंड गाइस उसे भी दोबारा इस पर यहीं पे
ब्लाइंड पर जाके स्क्रीन कर देंगे। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना गाइस, मैं बार बार कह रहा हूँ सॉरी। एंड गाइस एड फोटो पे जाएंगे दोबारा गाइस, ये लेंस फ्लेयर का सॉरी ये वाला लेंस फ्लेयर ले लेते हैं। एंड गाइस इसमें यहाँ सार्कल सार्पल सब ऐड हैं, तो इन सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहाँ से अकाउंट डाउनलोड कर लेना। ओके गाइस, एंड गाइस यहाँ पे आपको ब्लाइंड पर जाके स्क्रीन कर देना है। तो गाइस हमारा फोटो जो है ना गाइस तैयार हो चुका है, गाइस आप तब सब देख सकते हैं गाइस हमारा फोटो यहाँ पे बिल्कुल तैयार हो चुका है। एंड गाइस आपको क्या करना है गाइस, आपको ड्रॉ टूल में जाना है गाइस, ड्रॉ टूल में आपको यहाँ से फोटो को सेव कर लेना है गाइस। आप फोटो सेव कर लेंगे गाइस, हम लाइट रूम ओपन कर लेते हैं गाइस, हम लाइट रूम में आ चुके हैं। एंड गाइस आपको क्या करना है, आपको लाइट में जाके एक्सपोजर तक गाइस थोड़ा सा इंक्रीज करना है गाइस। यहाँ माइनस में जा रहा हूँ सॉरी, वो थोड़ा सा ही इंक्रीज करना है, ज़्यादा नहीं। ओके गाइस, एंड गाइस का आपको हाइलाइट्स को कम करना है, थोड़ा सा कम करना है, ज़्यादा नहीं थोड़ा ही कम करना है। ओके एंड गाइस शैडो को आपको बढ़ाना नहीं है, कम करना है बढ़ाना है। एंड वाइट को भी आपको थोड़ा कम करना है, ब्लैक्स को आपको थोड़ा बढ़ा देना है। एंड गाइस अब आपको जाना है कलर के टूल में। एंड गाइस कलर में आपको क्या करना है, आके गाइस इसका टेम्परेचर माइनस में रखेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं -4 कर देना। एंड गाइस आपको वाइब्रेंस है, वाइब्रेंस को थोड़ा इंक्रीज कर देना है। एंड गाइस कस्टम सेलेक्ट करके मिक्स टूल में आ जाना है। एंड गाइस आपको ऑरेंज में आना है, ऑरेंज की आपको लुमिनेंस बढ़ानी है। एंड गाइस सैचुरेशन येलो की आपको बिल्कुल कम कर देनी है, ग्रीन की भी सैचुरेशन आपको बिल्कुल कम करनी है, एंड स्काई ब्लू की भी आपको सैचुरेशन कम करनी होगी। तो इससे क्या होएगा ना गाइस, आपका जो है ना फोटो बहुत ही अच्छी चमक आ जाएगी। एंड गाइस को थोड़ा सा हम इधर कर देते हैं। एंड गाइस ये जो बाकी के हैं ना सबकी सैचुरेशन आपको एकदम -100 करनी है गाइस। यहाँ से हम उसमें जाएंगे ऑरेंज में गाइस, इसकी सैचुरेशन थोड़ी सी कम कर देते हैं। एंड गाइस यहाँ से डन कर देते हैं। एंड गाइस अब आपको आ जाना है क्लैरिटी के टूल में। क्लैरिटी में आपको क्या करना है गाइस, इसकी क्लैरिटी इंक्रीज करनी है थोड़ी सी। एंड विग्नेट डालना है फोटो के अंदर, थोड़ा ज़्यादा नहीं विग्नेट, थोड़ा ही डालना है। एंड गाइस अब आपको आ जाना है शार्पनिंग के टूल में गाइस, शार्पनिंग इसकी इंक्रीज करनी है आपको। एंड गाइस अब आपको नॉइस रिड्यूशन इंक्रीज करना है, जिससे आपके फेस में जो मतलब झील मिले ना वो आपके ठीक हो जाएगी। एंड कलर नॉइस रिड्यूशन को भी आपको इंक्रीज कर देना है, एंड स्मूथनेस को भी आप इंक्रीज कर दें सबसे पहले। एंड गाइस अब आपको क्या करना है गाइस, यहाँ से आपको डन करके सिलेक्टेड टूल्स के अंदर जाना है। ओके गाइस सिलेक्टेड टूल्स के अंदर चलते हैं। तो गाइस सिलेक्टेड टूल्स के अंदर आपको क्या करना है गाइस, इसके नीचे की तरफ जो है ना थोड़ा सा आपको वो मारना है, मतलब का ब्लैक ब्लैक करना है थोड़ा सा। तो गाइस हम ग्रेडियंट सेलेक्ट करते हैं, तो एकदम सिलेक्टेड में जाएंगे, ग्रेडियंट सेलेक्ट करेंगे। एंड गाइस नीचे से ले लेंगे ऊपर की तरफ। ओके गाइस नीचे से, एंड गाइस यहाँ से एक्सपोजर इसका कम कर देंगे एक्सपोजर। तो गाइस हमारी फोटो देखना है एकदम रियल लग रही है। एंड गाइस मैं आपको दिखा दूँ पहले कैसी थी एंड अब कैसी है। एंड गाइस आप सब देख सकते हैं बिल्कुल फुल एचडी फोटो है। एंड गाइस आप पहले देख सकते हैं एंड अब में बहुत फ़र्क है। तो गाइस आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताना नीचे कमेंट करके। और गाइस आपको 3 डॉट्स लग करके सेव टू डिवाइस कर देना है। और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना बिल्कुल।